ये है वो DIY क्लॉक जो कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया ऑनलाइन। ये मुझे पड़ा है अप्रॉक्स 700, जो एग्जैक्टली 699 रुपीज़ का। तो चलिए दिखाते हैं कैसा है। ये आपको कुछ इस टाइप की पैकिंग में मिलेगा, वेट काफ़ी हल्का है। इसको साइड करते हैं, देन पीछे आपको इसके इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। आगे लिखा हुआ है DIY क्लॉक। तो लेट्स ओपन। तो पैकिंग ठीक ठाक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इसके अंदर मिलता है, तो ये मैं पहले ही ओपन कर चुका हूँ, मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आपको मिलता है स्टायरोफोम टाइप का एक शीट होती है, थर्माकोल टाइप का कह सकते हैं। तो इस पे आप देख सकते हैं डिजिट्स जो है इसकी कटिंग करी हुई है थोड़ा 3D लुक आने के लिए। एंड ये जो है आपके मेन डिजिट्स है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट फिल्म भी चढ़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा शाइन है इसके ऊपर। बिल्कुल मिरर फिनिश है। एंड इस साइड से जो है टेप है, ये डिजिट्स आपको निकाल के कुछ, ये मैंने पहले से निकाला हुआ है, तो डिजिट्स निकाल के आपको ये यहाँ से भी डिजिट्स निकालने हैं, देन दोनों को आपस में पेस्ट कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड यहाँ से जो है आपको ये ट्रांसपेरेंट फिल्म हटानी है, तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। देन स्टायरोफोम के पीछे भी आपको टेप मिलेगा, ये भी आपको हटाना है एंड दीवार पे स्टिक करना है। तो दीवार पे स्टिक करने के बाद आप पहले ही देख चुके हैं कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ डिजिट्स बड़े हैं कुछ छोटे हैं। देन आगे बढ़ते हैं, तो ये डिजिट्स हो गए, पीछे भी सेम उसी तरह से डिजिट्स होगा। ये मैं पहले ही ओपन कर चुका हूँ। देन यहाँ पे है मेन, तो इसमें आपको दो क्लॉक के हैंड्स मिलते हैं, एक आवर के लिए एंड एक मिनट्स के लिए, सेकंड के लिए नहीं मिलता। एंड ये जो है उसका मेन मशीन है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। एंड यहाँ से ये वॉल पे हैंग होगा आपका कुछ इस तरीके से। पीछे मशीन है, सिंगल सेल से चलती है, वो तो सारा सेम है। इसके साथ एक ये छोटा सा मैकेनिज्म भी मिलता है आपको, तो ये कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए यहाँ पे आपका दीवार है, तो इसको दीवार के ऊपर रख के आपको कील से ठोक देना है, तो ये अंदर चला जाएगा। एंड जो ये प्लास्टिक का पोर्शन है, इसके ऊपर आपकी घड़ी का ये वाला हिस्सा ऐसे आ जाएगा एंड ये दीवार पे हैंग हो जाएगा इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर जो है आपको ये मिनट्स के एंड आवर्स के जो हैंड्स है वो लगा देने हैं। तो दीवार पे कैसे लगाना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। दीवार पे हैंग करने से पहले ये बेटर होगा कि आप सारे डिजिट्स को पहले ही निकाल लें और उनके ऊपर जो ये वाला, जो ये वाले डिजिट्स हैं इसको पहले ही चिपका लें। तो जो मिरर वाला पार्ट है वो सामने आएगा, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। एंड ये वाला पोर्शन मैं इसको भी हटा देता हूँ। एंड जो ये वाला पोर्शन है ये आपके दीवार पे चिपक जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसके पीछे एक टेप लगी हुई है, आपको वो भी हटाना है। टेप हटाने के बाद जस्ट इसके अलाइनमेंट में इसको चिपका दीजिए एंड ये हो गया बस। फिर इसका इसी तरीके से आपको बाकी सारे डिजिट्स करने हैं। सारे डिजिट्स हो जाने के बाद फिर इसको वॉल पे कैसे माउंट करना है वो भी बताता हूँ। तो इसके साथ आपको एक ये मेजरमेंट के लिए भी एक, तो इसके साथ आपको एक ये भी मिलता है जिससे आप मेजर कर सकते हैं, जैसे डिजिट्स एकदम एक्यूरेट लगाने के लिए। जैसे कि अगर अभी 12 बज रहे हैं तो अगर 3 बज रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आपका 3 आएगा। फ्रेंड्स ये वो हुक है जो कि हमें दीवार पे कुछ इस तरीके से लगानी है। फिर ये जो क्लिप है इसके ऊपर आपका ये जो वॉल का क्लॉक का मेन यूनिट है, डायलर जिसको कहते हैं, ये आ जाएगा। सो पहले इसको लगा लेते हैं बीच में ऐसे। तो ये वो हुक लग गया है। एंड ये जो डायलर है, डायलर में एक छोटा सा होल है यहाँ पे, तो ये क्लिप के अंदर ऐसे आ जाएगा एंड हैंग हो जाएगा। उसके बाद हम इसके जो भी हैंड्स है वो लगाएंगे। ये लग जाने के बाद आपको डायरेक्ट इसमें जो इसके हैंड्स होते हैं ये अभी नहीं लगाने हैं। सबसे पहले आपको ये लेना है, ये जो मेज़रमेंट के लिए होता है, तो इसको आपको इस तरीके से रखना है जैसे आपकी घड़ी रहेगी। इसको आपको ऊपर लगाना है एग्जैक्ट पोजीशन पे। देन जो यहाँ पे आपका 6 आएगा, यहाँ
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 शो कर रहा है, तो एग्जैक्ट 3 पे रख के यहाँ पे आपका 3 आएगा। यहाँ पे 2 पे रख के, यहाँ पे आपको 2 पे एग्जैक्ट पोजीशन रखना है सामने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पे एग्जैक्ट रख के देन ये आपको सीधा करना है, फिर यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको सारे डिजिट्स लगाने हैं तो वो एक्यूरेट आपको 10 दिखाएगा। सो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ एकदम परपेंडिकुलर, पहले लगाऊंगा 6, देन लगाऊंगा ऊपर 12, फिर इधर 3, फिर इधर 9। तो मैं ज़्यादा बड़ा रेडियस में नहीं लूँगा इसको, तो इसको इतने पोजीशन पे ही लगाऊंगा। यहाँ पे आएगा हमारा 6, इसके परपेंडिकुलर लग के यहाँ पे आएगा आपका 12, हटा देने के बाद आपको इसकी जो क्लॉक हैंड्स हैं ये वापस लगा देना है। आप एक बार मैनुअली चेक कर सकते हो इसकी अलाइनमेंट से, ये कि नहीं। 1 2 आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी अच्छा शाइन आ रहा है, बिल्कुल मिरर फिनिश आ रहा है। एंड इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है वो हटाने से शाइन आ जाएगा, बट ये मैं बाद में हटाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है ये, इसमें सेकंड की सुई नहीं होती है बट ये वर्किंग है। 8:35 बस। सो ये कुछ फाइनल लुक है, मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ।